दादी तीन शक्तियों के बारे में आए हैं सत्य जामा जामी परमात्मा तो ब्रह्म जामवंत का नाम सुना? अरे जामवंत का शास्त्रों में नाम सुना है? कहाँ सुना जामवंत का नाम? कौन से शास्त्रों में सुना? रामायण में। वो जामवंत को क्या दिखाते हैं? है क्या दिखाते हैं? भालू के रूप में दिखाते हैं, रीछ के रूप में दिखाते हैं। रीछ तो जानवर है, तो जानवर की बात है या जानवर बुद्धि की बात है? हैं? जानवर बुद्धि की बात है। जो भी मनुष्यों में धर्मों की जनरेशन्स हैं, उनमें बड़े बड़े लंबों वाली लंबे बालों वाली जनरेशन कौन सी होती है? है? जिनके सारे शरीर में बड़े बड़े बाल होते हैं, है? हाँ, उन्होंने शास्त्रों में रीछ दिखाई दिया है बड़े चढ़ के। अब रीछ की तो बात ही नहीं है। अरे देवता इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सन्यासी मुस्लिम सिख बालों वाला कोई है कि नहीं? सिख होते हैं, उनको जामवंत नाम दे दिया है। उनकी बच्ची का नाम जामवंती दे दिया है। वो बीज हैं, जो कन्यादान में आगे गए, जो व्यक्तवाणी में बोला है पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे चली गई। कौन से सन की बात है? 83 की बात है। 83 में 13 होना चाहिए। क्या 83 तक 13 अर्थात भगवान का कोई हुआ ही नहीं? कोई सरेंडर नहीं हुआ है? पंजाब से चंद्रमणि दादी सरेंडर नहीं हुई थी? और ढेर सारी शक्तियां सरेंडर नहीं हुई? सरेंडर तो हुई, लेकिन भगवान के प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचान कर कोई भी सरेंडर नहीं हुई। इसलिए बोला कि 83 में 13 होना चाहिए। तो 83 में पंजाब की
कोई कन्या साप से आगे निकली, जिससे ढेर का ढेर ब्राह्मण परिवार एडवांस पार्टी में तैयार हुआ। पंजाब में कौन सा धर्म पनप रहा है? कौन से धर्म का बोलबाला है? सिख धर्म का। उनका मुखिया है जामवंत, जामवंत की कन्या का नाम जामवंती। और मांगता है? हाँ, हनुमान किसका दूध मांगेगा? कामधेनु गाय का दूध मांगेगा। क्यों मांगेगा? अरे हनुमान है कौन? हनुमान कौन सी आत्मा का पार्ट है? है ब्रह्मा का पार्ट है। यज्ञ के आदमी कहते हनुमान ने जब जन्म लिया तो बच्चे शिष्य शैशवावस्था में सूर्य को निगल लिया। यज्ञ के आदि की बात है ना, ज्ञान सूर्य को दादा लेखराज ब्रह्मा के पार्ट ने जैसे निगल लिया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। वो हनुमान जो अभी लंका में आग लगाए रहा है, वो हनुमान किसका बच्चा है? है पवन का तो बच्चा है, लेकिन कोई माता है या नहीं है? हाँ, जो माता है वही कामधेनु माता है। यज्ञ के आदि की बात है। वो जगदम्बा सरस्वती तो उनकी बेटी थी, वो माता की बात नहीं है। परंतु दादा लेखराज की बुद्धि में वाचा के आधार पर किसने बैठाया कि तुम ही कृष्ण की आत्मा हो, ब्रह्मा के रूप में तुम्हें पार्ट बजाना है। ये जन्म किसने दिया प्रत्यक्षता रूपी? है जगदम्बा। तो बच्चा अम्मा का दूध नहीं मांगेगा तो किसका मांगेगा? इसलिए शास्त्रों में दिखाई दिया है कि कामधेनु का दूध मांगा। जगदम्बा है सर्वमान्य कामनाओं को पूर्ण करने वाली। लक्ष्मी को तो नहीं दिखाते, सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। अरे जगत की जो भी दुनियावी मनोकामनाएं हैं वो लक्ष्मी पूरी करेगी या जगदम्बा पूरी करेगी? जगदम्बा ही पूरी करती है, वो तो है जगत की अम्बा।
और जगदम्बा चंद्र वंश का बीज ना तो अंतिम जन्म में शिव धर्म में क्यों जन्म लेती है? जगदम्बा शिव धर्म में क्यों जन्म लेती है? नीचे गिरते है ना कोई, तो नीचे गिरते गिरते आखिरी धर्म में पहुंच जाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग की पक्की है या नहीं है? है? है। तो कौन सा विधर्मियों में ऐसा धर्म है जो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का रहता है अंत तक? सिख धर्म। और इसलिए आज भी सिख धर्म में देवियों की पूजा होती है, देवियों की मान्यता है। जैसे रामकृष्ण की मान्यता है वैसे जगदम्बा की भी मान्यता है। और जो कर्म करने पर विशेष जोर दे, जिसके बच्चे कौरव कहे गए, किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे कौरव कहे गए? कुरु, करो। कुरु माने करो। अरे मनुष्य के करने से कुछ होता है क्या? ये अज्ञान की बात है या ज्ञान की बात है? है? अज्ञान की बात है। जो मनुष्य समझते हैं कि हम ही स्वर्ग बनावेंगे, हम ही करने वाले, हम ही राम राज्य स्थापन करेंगे, हम करने वाले हैं, उनको कहा जाता है धृतराष्ट्र। कौरवों को कहा जाता है अंधों की औलाद अंधे, अज्ञानियों की औलाद अज्ञानी। अरे भगवान ही करण करावन हार है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में। आधार मूर्त में गांधारी है या नहीं है? है? कौरवों की मुखिया है महारानी, ऐसे ही बीज रूप में भी होगी या नहीं होगी? जो बीज रूप में है वो ही कर्मा देवी है। और मुरली में बोला है कि क्रिश्चियन गवर्नमेंट को पैसे दिए तो राजा महाराजा का तलब दे देते थे, तलब नहीं कहते हैं उसको, लकब कहते हैं। ये वेद में कैसे लागू होता है? वेद में ऐसे लागू होता है, एक मिसाल देते हैं
बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में दिल्ली में सेवा को विस्तार रूप देने के लिए एक बड़े मकान की जरूरत हुई। पहले बड़े में बड़ा मकान कमला नगर था, वो छोटा पड़ गया, तो उस बड़े मकान की पूर्ति नया नांगल के सेंटर का जो इंचार्ज भाई था, मुखिया भाई, ब्रजमोहन भाई ने वो पूर्ति कर दी। लाखों रुपया यज्ञ में दिया है और दिल्ली का पांडव भवन खरीदा गया। सुना है कहां पर है? है करौल बाग। हेड ऑफिस बनाया गया। उस समय दिल्ली में सेवा करने वाले भाइयों में मुख्य भाई कौन था? जगदीश भाई। तो पांडव भवन का मुखिया किसको बनाया जाना चाहिए था? है? जगदीश भाई को बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो पैसा नहीं दिया था, तो किसको बनाया गया? आज भी वो ही बना बैठा है। कौन है? ब्रजमोहन भाई। तो लकब मिल गया ना, क्रिश्चियन और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। कृष्ण के साथ कृष्ण वाली आत्मा ने संगम युग में जो पार्ट बजाया, उनके फॉलोअर्स ने जो पार्ट बजाया, अर्थात क्रिश्चियंस ने, वही पार्ट निश्चित कर दिया। इसलिए बताया कि क्रिश्चियंस के राज्य में ऐसे होता था कि जो ज्यादा पैसा देता था गवर्नमेंट को, उसी को लकब मिल जाता था, बड़ी बड़ी उपाधियां मिल जाती थी। हाँ जी, हाँ उनको रकम मिला ना। है कौन? दिल्ली में। अरे रमेश भाई बंबई में है या दिल्ली में है? फिर ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति माया का अंबार किसकी मुट्ठी में भरा पड़ा है? हैं? माया नगरी के अंदर वो माया नगरी भारत के अंदर
जैसे विदेश की राजधानी है, जैसे दुनिया के अंदर अमेरिका, धन संपत्ति रूपी माया का अंबार भरा पड़ा है, दुनिया की सारी पूंजी का भंडार कौन से देश के हाथ में है? है? अमेरिका के हाथ। वो दुनिया के हिसाब से है, ये भारत के हिसाब से है, बंबई। और बंबई में ब्राह्मणों की दुनिया में उनका नाम बाला है, परंतु बंबई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। और कोई ने पूछा है जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है तो क्या स्थूल पेट से स्थूल बच्चे को जन्म दे सकती है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी माया की चक्करी में आते हैं वो शादी करने और बच्चे पैदा करने का काम करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है या सिर्फ भारत की अम्बा है? भारत की अम्बा भारत माता है, भारत की कन्याएं माताएं दूसरा खसम नहीं करती हैं। और जगत की माताएं जो और धर्मों में कन्वर्ट होने के बाद बनती हैं, जगत सिर्फ भारत से बनता है या सब धर्मों को मिला के बनता है? तो सब धर्मों के संस्कार जगदम्बा में होने चाहिए या लक्ष्मी भारत माता में होने चाहिए? जगदम्बा में सब धर्मों के संस्कार होने चाहिए। वो सारे जगत की अम्बा माने सभी धर्मों वालों की अम्बा है, सभी धर्म वालों में जो भी संस्कार है विचार के वो सारे संस्कार जगदम्बा में मौजूद होने चाहिए। तो विदेशी और विधर्मी आत्माएं माया की चक्करी में आती हैं या नहीं आती हैं? उनमें ये संस्कार कहां से आए? कौन व्यक्ति है जहां से ये संस्कार शुरू हुए? अरे ये सारी सृष्टि एक झाड़ है ना, झाड़ का बीज होता है या नहीं होता है? बीज में दो दल होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। एक लेफ्टिस्ट होता है, एक राइटियस होता है। इसलिए मुसलमानों की किताब में भी आया हुआ है, खुदा ने आदम ईब को कहा कि स्वर्ग में तो जाते हो और जन्नत में, लेकिन एक शर्त है, बाड़ी का फल नहीं खाना। ये शरीर ही बाड़ी है, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद लंबे समय तक स्वर्ग का सुख भोगने के बाद किसकी नियत खराब हो गई?
एडम की नीयत खराब हुई या ईव की नीयत खराब हुई? किसकी खराब हुई? ईव की नीयत खराब हो गई। इसलिए भारत में भी सन्यासियों ने स्त्री को माया का रूप दे दिया है। स्त्री माया है, स्त्री नरक का द्वार है। परंतु बाप कहते हैं नहीं, ये जगत के मनुष्यों ने स्त्री को नरक का द्वार बनाया। वो ही जगदम्बा स्वर्ग के गेट खोलेगी। दुनिया के मनुष्य हैं बिगाड़ने वाले, व्यभिचारिणी बनाने वाले, और एक शिव बाबा है अब व्यभिचारी बनाने वाला। दुनिया सीताओं को बरगलाती है, रावण सीताओं को बरगलाता है, बरगलाए बरगलाए के अपने अनुसार कर्म कराता है, विधर्मियों जैसे। बाप उनको सुधार करके स्वधर्मी बनाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने अम्मा बाप की भी फरिया उड़निया ऊंची कर देते हैं, लो देखो। फिर प्रश्न करते हैं जगदम्बा को बच्चा कैसे पैदा हुआ? अरे माया का मुंह नहीं देखा है अभी तक, अभी आगे टाइम आने वाला है जो सबको शीशा दिखाई पड़ेगा कि जगदम्बा ऊंचा पुरुषार्थ करने वाली है या हम ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले। ये दुनिया ऐसी है, ये माया ऐसी है जो किसी को छोड़ती नहीं है। बहुत अहंकार नहीं करना चाहिए। और मुरली में कहा गया है मन तूफानी घोड़ा है, ऐसे क्यों कहा गया? मन का मिसाल घोड़े से दिया जाता है। घोड़ा अगर लगाम न लगाई जाए तो गद्दे में ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? ले जाएगा। ऐसे ही ये मन को अगर बुद्धि की लगाम में नहीं रखा गया, खुला छोड़ दिया, तो ये मनुष्य को गर्त की दुनिया में ले जाता है। और बड़े बड़े विकल्प लाता है, विपरीत संकल्प लाता है। उन विपरीत संकल्पों के अंबार को तूफान कहा जाता है। तूफानों के बीच में ये मन तूफानी घोड़े का काम करता है। सबसे बढ़िया घोड़ा कहां का होता है, कौन से देश का है? अरब का घोड़ा बहुत अच्छा माना जाता है। ये अरबियंस का मन बड़ा तूफानी होता है। महाकाली बाहर रहने वाली हमारी परीक्षा कैसे लेगी? ह
हम तो सरेंडर हैं, अंदर रहने वाले हैं, यह गृहस्थी है, गृहस्थ में रहने वाले हैं। तो माया परीक्षा ले सकती है या नहीं ले सकती है? लेती है। और माया बाप के बच्चों के सामने थक गई, तंग आ गई, ऐसे अव्यक्त वाणी में रिजल्ट दे दिया। तंग आके आधार मूर्त माया ने शरीर भी छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ देने से सूक्ष्म शरीर तो धारण कर सकती है, कर लिया तो और ज्यादा पावरफुल बन जाती है या कमजोर बन जाती है? और ज्यादा पावरफुल बन गई, इतनी पावरफुल बन गई कि उसे पता लग गया कि मेरा सहयोग देने वाली प्रकृति है। उसका सहयोग अगर मैं लूंगी तो मैं भी बहुत पावरफुल बन जाऊंगी। और एक एक से चपेट लगा करके, टक्कर लेकर के एक एक को धराशायी करूंगी। अष्टदेवों को भी नहीं छोड़ती, आखिरी उन्हों को भी धराशायी करती है। वो प्रकृति कोई और नहीं है, जगदम्बा कहो, तामसी रूप धारण करने पर महाकाली कहो, वो ही प्रकृति का रूप है। जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है परंतु बहुत पावरफुल है। दुनिया में जो विनाश होता है वो सबसे बड़ा विनाश नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा होती है। प्राकृतिक आपदाओं से बड़ा बड़ा से बड़ा विनाश होता है। मनुष्यों के बनाए हुए एटम बमों से नहीं होता, प्राकृतिक आपदाओं से होता है। ये प्राकृतिक आपदाएं धरणी पर आती हैं, धरणी हिलती है, वो जगदम्बा धरणी का रूप है, सीता का रूप है। जो सीता जन्म कहां से लेती है? धरणी से ही जन्म लेती है और धरणी में ही समा जाती है। बड़े बड़े भूकंप आवेंगे और साफ दब करके खलास हो जाएंगे। कोई की बुद्धि काम नहीं करेगी। तो परीक्षा माया लेती है, लेकिन माया जब कमजोर पड़ जाती है तो प्रकृति से हाथ मिला लेती है। और माया मौसी का काम बन जाता है। प्रकृति कहो, धरणी कहो, वो हमारी माता है, जगत माता है।
उसको माया रावण बरगला लेता है, बरगलाए के बुद्ध रूपी हाथ मिला लेता है और मनमाने तरीके से विनाश कराता है। अब वो चाहे अंदर रहते हो चाहे बाहर रहते हो, बाबा ने बोला माया मधुबन में नहीं आती है क्या? आती है या नहीं आती है? तो फिर अंदर का क्या और बाहर क्या? माया भी तो बाप की बेटी है, बेटी को बाप के घर में आने की इजाजत नहीं है क्या? है आजकल तो गवर्नमेंट भी बेटियों को उनका पूरा हक दिलाती है, तो घर में कैसे नहीं आएगी? तो अंदर बाहर की बात नहीं है। शिव बाबा ने बोला आठ ही पास होंगे तो उनका ऐसा क्या पुरुषार्थ खास होगा? जो आठ ही ऐसे पास होंगे जो सजाएं नहीं खावेंगे, पास होने वालों का पेपर कौन सा बताया? ये नष्ट मोआ के पेपर में वो आठ की ये खासूसियत होगी, खासियत होगी कि जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर अंत तक नष्टो मोहा बनकर के रहेंगे। वो नष्टो मोहा का गुण उनमें आज से अंत तक देखने में आवेगा। रोटी कपड़ा और मकान जैसे भी मिले, जो भी मिले, जो ईश्वर का प्रसाद, उसमें ही पुरुषार्थ को संपन्न कर लेंगे। उन्हें जास्ती की जरूरत नहीं है, उससे कोई मोह नहीं है। अपनी देह से भी मोह नहीं, देह की भी चिंता नहीं, कल हम क्या खावेंगे, बैंक बैलेंस में एक भी पैसा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं है, इसकी कोई चिंता नहीं होगी शुरू से ही। देह से नष्ट मोहा, देह के संबंधियों से नष्ट मोहा, नहीं हमें तो देह के संबंधियों से मिलना ही मिलना है, नहीं हमें तो बात करना ही करना है, हमको नहीं मिलने देंगे तो हम यज्ञ छोड़ देंगे, हमें भगवान अगवान कुछ नहीं चाहिए, जो भगवान हमें अपने माँ बाप से भी नहीं मिलने देता, ऐसी कोई आस उनके अंदर नहीं रहेगी। बाप मिला सब कुछ मिला, देह के पदार्थों से भी कोई मोह नहीं, अच्छा पांच सेट रखने हैं कपड़े पांच सेट में ही खुश रहेंगे, जास्ती नहीं चाहिए। जीवन को निर्वाह करने का सामान 25 किलो चाहिए, 25 किलो निर्धारित किया गया तो 25 किलो ही चाहिए,
कहीं भी ट्रांसफर कर दो, हमें कोई चिंता नहीं। आदि से लेकर अंत तक उनमें ये विशेष गुण देखने में आवेगा। देवताओं में सिर्फ मधुवन में रहने वाले ही आवेंगे, ये गृहस्थी वालों को भी चांस मिल सकता है। गृहस्थी वाले भी सरेंडर होंगे, एक बाप के बनकर रहेंगे तो उनको भी चांस मिल सकता है। अरे आठ की तो बात छोड़ो, 108 जो राजयोग सीखने वाले राजाए हैं, वो भी 16,108 पढ़ाई पढ़ने वालों की लिस्ट में होंगे जो राजयोग सीखने वाले हैं। बाप के बनते ही इसलिए हैं। हमें राजा ही का पद लेना है, ऐसे नहीं कि दुनिया के भी बने रहें और बाप के भी बन जाएं, दुनिया का भी वर्षा ले लें और बाप का भी वर्षा ले लें। नहीं, क्या शर्त रखी है? फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनेंगे। फुल बैगर नहीं बन सकते तो 108 राजाओं की लिस्ट में भी नहीं आ सकते। ईश्वरीय सेवा में तन मन धन सब कुछ अर्पण। श्रेष्ठ वामनों की विशेषता क्या है और उनकी मुख्य पहचान क्या है? पहली मुख्य पहचान तो यही होगी कि वो बाप की पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल होंगे। फिर डबल लाख लगाने वाले होंगे माया को। डबल लाख है याद और सेवा। सेवा किए बगैर नहीं रह सकते, चाहे कर्मणा सेवा हो, वाचा की सेवा हो, वाइब्रेशन की सेवा हो, भले अमृत वेले बैठ कर सेवा करने की बात हो। बाबा हम कितना भी अच्छे से सेवा करते हैं लेकिन फिर भी गुस्सा करती है और थप्पड़ लगाने को बोलती है, थप्पड़ मारने को बोलती है, तो बाबा हम क्या करें? बनना क्या है, लक्ष्य क्या है? है मनुष्य से क्या बनना है? देवता बनना है। देवताओं के मुख्य गुण क्या है? सहन शक्ति। पूर्व जन्म के कोई ऐसे खराब कर्म हो गए हैं राजाओं के,
जो उन्हें आखिरी जन्म में आधीन रहना पड़ा, तो खुशी खुशी आधीनता सहन कर लेनी चाहिए या रोना चाहिए? है, रोने की तो बात नहीं है। जितना सहन करेंगे उतना वहां 63 जन्म सहन कराने के निमित्त बन जावेंगे। ये पक्का कर लेना चाहिए। ब्राह्मण परिवार में तो एक एक पाई पैसे का हिसाब किताब है। जब रिजल्ट निकलेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई राजा ही चलाना चाहे तो चलेगी? ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में अगर राजा ही चलानी रहे बेसिक में, तो उनकी राजाई अब उड़ने वाली है या चलने वाली है? उड़ गई, अंदर में समझे बैठे हैं कि अब हमारी राजाई गई कि गई। इसलिए पैसा इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, भीख मांग मांग करके, कैसे भी करके बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लो, कहीं राजाई हाथ से निकल गई तो आराम से कहीं बैठ करके खाएंगे। यहां अगर राजाई कर ली तो वहां की राजाई उड़ जाएगी। यहां अगर किसी को ऑर्डर में चलाया तो वहां 63 जन्मों में क्या होगा? ऑर्डर में चलना पड़ेगा। क्योंकि ब्राह्मण राजा नहीं होते, ब्राह्मण क्या होते हैं? सेवादारी होते हैं। बाबा, अगर जाने अनजाने में कोई किसी का लेटर पढ़ लेता है चोरी करके पढ़ लेता है और शिव बाबा को लिखा हुआ लेटर, तो शिव बाबा को ही पढ़ना चाहिए। और उस लेटर को कोई दूसरा पढ़ता है तो उसकी शूटिंग क्या होती है? जो लेटर बाबा को लिखा गया वो बाबा को ही पढ़ना चाहिए? बाबा तक न पहुंचा के बीच में ही पढ़ लिया तो शिवो हम हो गया कि नहीं पढ़ने वाला? है, जो शिवो हम वालों की दुर्गति होती है वो ही बाबा का ली बीच में लेटर पढ़ने वालों की दुर्गति होगी। मुरली में तो बाबा ने बोल दिया कि बाबा को लिखा हुआ लेटर कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता, बाबा को कोई भी डायरेक्ट पत्र लिख सकता है और बाबा का पत्र ले सकता है, इसमें बीच में चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई ऐसा दुस्साहस करता है तो गुरुओं की लिस्ट में आ जाएगा। बाबा, हमने भक्ति मार्ग में तुलसी की माला पहनी है, अभी हम ज्ञान में आ गए, भट्टी करके आए हैं, तो क्या अब तुलसी की माला निकालनी चाहिए या पहनते रहें?
भक्ति मार्ग में भक्त लोग तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। अगर मात्र भक्ति करने के लिए पहनते हैं तो भक्ति का कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बाकी हाँ, कोई कोई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए रुद्राक्ष के मणकों को पहनते हैं, वो अहम ऑब्जेक्ट हो गया पहनने का। ऐसे ही तुलसी के माला के भी कुछ औषधीय गुण हैं। किसी वैद्य ने बताया है तो सुरक्षा के लिए पहनते हैं तो दूसरी बात है, बाकी कोई अहम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। भक्ति मार्ग में पहनते आए हैं इसलिए पहनते हैं, ज्ञान में आ गए हैं, भक्ति कर ली है, बाबा को पहचान लिया है, फिर भी पहनते हैं तो बाबा कहेंगे अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है, इसलिए भक्ति करते रहो, माला पहनते रहो। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो माला आदि पहनना अपने आप बंद कर देंगे।